जीटा, हमारे पास फ्यूजन ही एक रास्ता है। वो अकेला बहुत ताकतवर है। ठीक है क्या कराट, उसे मिलकर हराते हैं। हाँ, हम दोनों जानते हैं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे मनाने के लिए तुम बहुत कुछ करोगे। मैं ये सब बकवास नहीं चाहता। हाँ? और अब आर्कन बिना लड़ाई किए अपनी डार्क साइफोनी की मदद से हर जगह से गॉड की शक्तियों को सोख रहा था। अगर ओमनी गोजीटा उस स्पिरिट बॉम्ब को बनाने में कामयाब हो जाता है तो वो स्पिरिट बॉम्ब उसे मारने के लिए काफी है। लेकिन क्या आर्कन ओमनी गोजीटा की शक्तियों को भी सोख सकता है? साइतामा सबसे ताकतवर मॉडल है। साइतामा और ओमनी गोजीटा के फ्यूजन से वो एक मॉर्टल बन जाएगा और उनकी शक्ति भी अनंत होगी। 30% अनंत एनर्जी भी काफी है। तीनों के फ्यूजन की मदद से एक अनंत स्पिरिट बॉम्ब का निर्माण होगा जो डार्क साइफोनिंग को भी खत्म कर दे और इस मल्टीवर्स को बचा सके। लेकिन क्या गोकू और वेजिटा इसके लिए साइतामा को मना पाएंगे? तुम बेवकूफ, तुम इतने मतलब इस वक्त कैसे हो सकते हो? मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ, समझ गए? तुम जो ये कर रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सभी यूनिवर्स की उम्मीदें हम पर टिकी हुई है। ये हमारे पास आखिरी मौका है अपने यूनिवर्स को बचाने का। तुम तो ये सब अकेले ही खत्म कर देते, अब हमारी मदद चाहिए? क्या हम लोग थोड़ा शांत नहीं रह सकते? गोकू और बीरस साइतामा को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ एक और समस्या है। गोकू को वेजिटा के साथ फ्यूज होने के लिए अपनी ओमनी की सीमा को तोड़ना होगा। क्या कराट, इस काम को अंजाम देने के लिए तुम्हें अपनी ओमनी गॉड की सीमा को तोड़ना होगा। ये तुम्हारे लिए कहना आसान है वेजिटा, मैं पहले ही अपनी लिमिट्स पार कर चुका हूँ, इससे आगे मैं नहीं कर सकता। क्या हुआ क्या कराट, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। हम सैयन कुछ भी कर सकते हैं, और तुम में वो बात है क्या कराट, तुम मेरे सबसे ताकतवर विरोधी रहे हो। लड़ाई के दौरान मैंने वो सब कर लिया जो मैं कर सकता था। मुझे नहीं पता मैं ओमनी की सीमा कैसे पार करूं। क्योंकि ये दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। खुद को पहचानो क्या कराट, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, चलो एक कोशिश करते हैं। आखिर ये है क्या? डैड, आखिर क्या हुआ कैकाराट? हमारी दोस्तों की बलिदानियां बेकार नहीं होनी चाहिए कैकाराट। अपनी शक्तियों को बढ़ाकर तुम ओमनी की सीमा को तोड़ सकते हो। उसे अपने अंदर खोजो कैकाराट। ये क्या है? आखिर ये कौन सी जगह है? मैं तो लड़ाई के मैदान में था ना, लगता है मैं अपने अंदर अपने आप को ही देख रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है। कैकाराट, आखिर कौन हो तुम? मैंने अपने बेटे कैकाराट को पृथ्वी ग्रह पर भेजा था बहुत समय पहले। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कैकाराट। मैंने इन सब के लिए बहुत कुछ सहा है। तुम्हें देखे हुए कितने साल बीत गए। ये
ये सच में लाजवाब है। तुम सुपर सेन बन चुके हो और तुमने फ्रीजा को भी हरा दिया। बहुत खूब। लेकिन आप मुझसे कैसे बात कर पा रहे हैं और यहाँ पर हो क्या रहा है? ओमनी सुपर सेन के साथ कुछ करना होगा। इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और अब तुम्हें अपनी सारी सीमाओं को तोड़ना होगा। ये नहीं हो सकता। मैंने सब करके देख लिया। मैं पहले ही अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका हूँ। मैं ये अकेले नहीं कर सकता। अकेले? मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाजवाब। आप सच में लाजवाब है डैड। मेरा नाम बारडॉक है। काकारॉट, गोकू, उसने कर दिया। आखिर एक उम्मीद तो बनी लड़ने की। हाँ, इतनी कोशिशों के बाद, लेकिन अभी भी इसे कामयाब बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके थे। ठीक है, तो वक्त आ गया है वेजिटा फ्यूजन करने का। हे काकारॉट, मुझसे एक वादा करो, हम उसे एक मुक्का जरूर मारेंगे। रुको जरा, क्या तुम और शक्ति बढ़ाओगे? फ्यूजन हा! ये रोशनी कैसी है? इससे तो पूरा ग्रह कांप उठा है। What the hell? ये डैड और गोकू की ओमनी फ्यूजन बहुत ही शक्तिशाली होगी। डैड, वेजिटा, अब हमारे पास जीतने का एक मौका है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगा। एक नए देवता का जन्म हुआ है। तो ये है वो डैड और गोकू की सबसे ताकतवर फ्यूजन। ये सचमुच अद्भुत है। ये लाजवाब है, हमारी सोच से भी ज्यादा। इसकी ताकत बहुत लाजवाब है। अब जाओ और उस ईवल गॉड को खत्म कर डालो। जाओ।
अब ये हुई ना बात। उस मॉन्स्टर को खत्म करो। डार्क सिम्फनी होने के बावजूद मुझे चोट कैसे लगी? वक्त आ गया है तीनों को फ्यूज होने का। जल्दी फेंको इधर। अब ये लग गया। हम एक साथ मिलकर इस पूरे यूनिवर्स को बचाएंगे और ये हम चलें। तुम सभी लोग जरा ध्यान से सुनो, हम सभी के सभी इस वक्त मुसीबत में हैं। हम लोगों को तुम सभी की शक्तियों की जरूरत है। यदि तुम नहीं करोगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्पिरिट बॉम्ब ही हम सभी लोगों की आखिरी उम्मीद है। मासूम लोग तड़प रहे हैं मदद के लिए। और मैं कैसा ही रहूं जो उनकी आवाज सुन नहीं पाया। मैं भी मदद करूंगा। अब ये क्या है? तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। सभी यूनिवर्स के मॉर्टल्स की ताकत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमारे प्लान के मुताबिक हमारी जीत तय थी, लेकिन एक भगवान का इंसान के हाथों मरना, यह कैसा मजाक है? मैं ऐसे नहीं मर सकता। हमने वाकई में कर दिया। हे
ज़ेनोसामा, मुझे लगा आप उस ब्लास्ट के साथ मारे गए। मैंने कर दिया, शायद तुम भूल रहे हो, पहले दो ज़ेनो थे। आखिरकार तुमने कर दिया, लगता है अब तुम शायद किसी और से सीखना चाहोगे। साहब जिंदा है, इसका मतलब मुझे पता है, मैं उन्हें अपने भविष्य में बुलाता हूँ और हम सब साथ रहेंगे। गोकू बताता है कि वो यूनिवर्स में हुए मुसीबतों को सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से ठीक कर दिया और सभी हीरोज जो मारे गए थे वो भी वापस आ गए। हर कोई अलविदा कह रहा था। सास्के भी अपनी शक्तियों की मदद से अपने यूनिवर्स में चला जाता है। हे, हम ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाते। अलविदा कहने की जरूरत नहीं, हम दोबारा फिर मिलेंगे। सभी हीरोज जा चुके हैं, वो दो हीरोज जिन्होंने इनकी शुरुआत की। मुझे विश्वास नहीं होता, इन सब लड़ाई की शुरुआत हम दोनों से हुई थी और अंत में हमने मिलकर इस मल्टीवर्स को बचा लिया। हाँ, ये सबसे बुरा दिन था, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा समय तक रह पाएगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इन सभी मुसीबतों के बाद पृथ्वी कैसी होगी? मेरा भी एक सवाल है। हाँ, ड्रैगन बॉल सुपर वापस कब आ रहा है? सो गाइस, एनिमे वार का लास्ट एपिसोड अब खत्म हो चुका है।